एकेडमी के बारे में बताइए कि क्या खासियत है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पर, काफी बड़ा है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट इन फ्यूचर देखने मिले। एक्चुअली मैं पहले नोएडा में स्टार्ट होने वाली थी मेरी एकेडमी, एंड वहाँ पे मैं काम भी शुरू हो गया, 3 माले का पूरा बिल्डिंग बन रही है, तो उसके अंदर हमने शुरू किया और वो लॉकडाउन की वजह से उसका काम रुक गया। इतने में आदित्य पंचोली जी का मुझे एक बार कॉल आया, सुभाष बिजनेस करेंगे साथ में? मैंने यस सर जरूर करेंगे। तो दिनेश जैन जी जो इसके ऑनर है, काफ़ी उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बिल्डर है अमृत, तो उनको आदित्य सर ने बताया कि सुभाष ऐसे मेकअप आर्टिस्ट नोएडा में एक अपना एकेडमी शुरू कर रहा और आपकी जगह भी खाली पड़ी है और बॉम्बे में इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे मेकअप, हेयर, एक्टिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक सारा कुछ हो सके। तो मैं आके जगह देख के गया, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बोला चलो नोएडा से पहले यहाँ शुरू करते हैं। और दिनेश जी ने इतना कॉपरेट किया, क्या चाहिए मुझे, उन्होंने वो चीज़ मुझे हाजिर किया, ये ऐसा चाहिए, ये फ्लोर पे ये बनेगा, ये फ्लोर पे ये होगा, ये उन्होंने हर वो चीज़ मुझे प्रोवाइड किए। तो मैं बोला चलो नोएडा के पहले इसको शुरू किए, अब दिसंबर में नोएडा शुरू करने वाले। सर मैंने अपनी लास्ट एकेडमी जब खोला था, लास्ट एकेडमी मेरी ओपन किया था, उसमें भी मैंने देखा था जो इंडस्ट्री के स्पॉट बॉयज है, ड्रेस दादा है, मेकअप दादा है, उनके बच्चों को मैंने सारा फ्री सिखाया था। और इस बार भी मैं वही कर रहा हूँ कि जितने ज़रूरतमंद है जो लंबी फीस दे करके और अब मेकअप और ये इस लाइन में बहुत काम है, हेयर मेकअप एंड एक्सटेंशन नेल आर्ट वगैरह सब में, तो मैं इस बार भी वही कर रहा हूँ कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ से पैसे आ रहे, जहाँ से नहीं आ रहे तो गरीब लोगों को थोड़ी सी अच्छी मेकअप की मैं ट्रेनिंग दे सकूँ। वो दूसरी है एक्चुअली। अच्छा, वो दूसरी थी, वो लॉकडाउन की वजह से पीछे हो गए और दिनेश भाई ने इतने फास्ट इसको रेडी कर दिया तो ये सेकंड हो गया, अदरवाइज वो सेकंड होनी थी। और क्या प्लान्स है वहाँ के प्लान्स की, कि वो इससे डबल ट्रिपल बड़ी है, वो 3 पूरे फ्लोर की है और एक एक फ्लोर पे 4,000 स्क्वायर फीट की है। तो मैंने उसको प्लान किया था कि एक जगह मेकअप, हेयर, एक जगह म्यूजिक एंड डांस और एक तरफ एक्टिंग क्लासेस, जो कि मैं एक्टिंग क्लासेस में मैं इंडस्ट्री के काफ़ी दिग्गज लोगों से बात किया, एक्टर्स जो जैसे लाइक जरीना वाब जी, दिव्या दत्ता, अमोल पालेकर जी एंड बात चल रही है और काफ़ी बड़े आर्टिस्टों से, वो आके खुद सिखाएंगे वहाँ पर एक्टिंग। बट मैं एक्साइटेड थोड़ी कम हूँ क्योंकि ओशिवारा मेरे घर के ज़्यादा पास है तो मैं अकेडमी ज्वाइन कर सकती हूँ, बहुत दूर हो गए। बट जो अकेडमी में पूरा मैंने देखा, जो उन्होंने बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है, एंड मुझे मन कर रहा है कि मैं भी आऊँ यहाँ पे, एक्टिंग करूँ, मेकअप भी करूँ, क्योंकि जो जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं लाइक मेकअप, एक्टिंग, स्किन केयर, वो सब इसमें, एंड आई थिंक सैलॉन और समथिंग ऑल्सो इज कमिंग, सो दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। मुझे लग रहा है कि ऑन माई डे ऑफ मुझे एक दिन मैं यहाँ पर आ जाऊँ और पूरा दिन पैम्पर हो जाऊँगी मैं, सो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। जब मैं उनको मिलने के पहले से ही उनके बारे में मैंने इतना सुना था और इतनी अच्छी बातें, इतने हम्बल है, इतने स्वीट हैं और कितने यंग दिखते हैं बिना मेकअप के, तो फॉर मी दैट वाज आल्सो वेरी कि यू नो कि वाह, मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिखते हैं, ही लुक्स लाइक दिस यू नो आर्टिस्टिक पर्सन बट नॉट मेकअप आर्टिस्ट, लाइक अ फोटोग्राफर, लाइक अ नोमैड, बट उनके हाथों में मैजिक है। एंड जैसे हमने कटरीना कैफ पे देखा है, एंड सो मेनी पीपल, ही इज़ रियली प्रिसाइज विद हिज वर्क, एंड बड़े ब्रदर जैसे हैं। और जब उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर ये ओपन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, और इतना बड़ा सेटअप और ये प्राइम लोकेशन पे अभी तक किसने सोचा भी नहीं था और कभी किया भी नहीं था, और उनको बहुत बहुत शुभकामना है। ये तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्टों से मिला हूँ मैं, उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है मेकअप करने की, वो टैप मेकअप करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ब्रश का भी यूज़ करते हैं मगर उनका ब्रश बहुत कम इस्तेमाल होता है, और मेरी ढेरों शुभकामनाएँ उनके साथ। और इसके बाद सुभाष जी की अगली एकेडमी नोएडा में खुलने वाली है, बहुत जल्दी उसके ऊपर काम चालू है। तो उनके लिए एक प्रॉपर वर्ड जो है वो है मैजिशियन, जो वो ब्रश के बिना जो फिंगर के साथ जो वो खेलते हैं
वो उनकी जो टेक्निक है वो कमाल की है। एंड ये सेकेंड है, इसके बाद आने वाले और भी अकेडमीज है जिसमें आप सबको आना है, और भी हम बहुत जल्दी इन्वाइट करेंगे वो सारी अकेडमीज के लिए, पहले तो नोएडा फिर उसके बाद और भी, बस ग्रो। देखिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ रहती हैं, और बॉम्बे में मेरे बहुत कम लोग दोस्त हैं, बहुत कम लोग, और फैमिली तो बहुत ही कम, तो ये मेरी एक फैमिली है। बाकी यहाँ मैं ऐसे भी नहीं विदाउट मेकअप, और ऐसे वाली भी मेरी दोस्ती है कि जब मैं जाती हूँ और वो बहुत सीनियर है, मुझे बहुत कुछ वो सिखाते हैं, उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी सी मेकअप किट बनाई है, मतलब मेरा एक छोटा सा बैग भी होता है और वो पूरा मेकअप किट उसमें आ जाता है, और मुझे कुछ और कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें ब्रॉन्जर है, हाइलाइटर है, उसमें मेरे लिए स्पेशली उन्होंने मेरी स्किन के हिसाब से एक सीक्रेट फाउंडेशन भी बनाया है, तो मतलब टोटैलिटी में दैट किट आई कॉल इट अ मैजिकल किट, तो वो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनाया है। सो यस, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड स्पेशली द बेस्ट पार्ट अबाउट सुभाष जी इज दिस दैट जब आप मेकअप करो तो मेकअप लगना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मेकअप ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है मेकअप नहीं आपको पहन लिया है, तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने हल्का सा मेकअप किया है लेकिन आपकी जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे, एंड दैट्स हाउ आई फील दैट मैंने भी उनसे कर करके, उनसे सीख सीख कर वैसा मेकअप करना शुरू किया है, तो वेदर वो मेरे साथ रहें नहीं रहें, उनका वो मैजिकल मेकअप किट मेरे साथ रहता है और उनकी टिप्स मेरे साथ रहती है हमेशा। सो यस, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड ग्रेटफुल दैट ही इज़ ओपनिंग अकेडमी लाइक दैट, सो दैट जो एक्चुअली में मेकअप के जो प्रॉपर एस्थेटिक्स होते हैं वो लोगों तक पहुँचे। इकलौती लड़की हूँ और मेरे मैं अकेले रहती हूँ बॉम्बे में, और चूंकि मेरी मम्मी प्रिंसिपल है, मेरे फादर लॉयर हैं, तो वो बनारस में ही हैं, वो लोग अब मम्मी के रिटायरमेंट के बाद वो शिफ्ट होंगे तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है बॉम्बे में, और मुझे वो एक अकेलापन महसूस नहीं होने दिया है, तो आई कैन से दैट सुभाष जी और उनकी फैमिली उनमें। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं सुभाष जी को, हमने उनका मेकअप बनाया है। एक्चुअली हम काफ़ी ब्रांड्स के लिए पहले से बना रहे थे, लेकिन उनके साथ बैठ के काफ़ी लंबी प्रोसेस चली, इंग्रेडिएंट्स को इवेल्यूएट किया, और एक्चुअली हमको भी बहुत सारा कुछ जानने को मिला। सो उनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग, और उनके जो स्किल है उसको कॉम्प्लीमेंट करे ऐसा मेकअप उन्होंने बनवाया। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं, कॉन्ग्रेट्स। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को मेरा, मैं दीपा भारद्वाज हूँ, रूबीकॉन एकेडमी की पार्टनर हूँ, और हमारे जो सीनियर है दिनेश जैन वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। आप एसोसिएशन की बात जब करते हो, जब हमने रूबीकॉन एकेडमी की बात शुरू की या हमने सोचा कि हमको कुछ ऐसा एकेडमी करना है, तो हमें सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो क्लिक आया वो था सुभाष जी के बारे में, बिकॉज वो इतने सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू उनकी और हमारी मुलाकात हुई। जिस दिन मैं उनसे मिली, पता नहीं एक हमारा वाइब्स जो था वो एक ऑरा वाइब था, मैं ऑरा में बहुत बिलीव करती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि जो भी हम हैं आज यूनिवर्स की वजह से है। और जब हमने रूबीकॉन एकेडमी हम सोच रहे थे कि इसमें क्या शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया बियॉन्ड ब्यूटी, तो हमने सोचा जो ब्यूटीफुल लेडीज़ है उनको और ब्यूटीफुल करना, जो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं अगर वही हम शुरू करें, और वो भी एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन जो सिर्फ एक इंसान को सुंदर ही नहीं बनाते बट उनको एक नेचुरल लुक के साथ उनके एक इनर ब्यूटी को भी सराहते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो सुभाष जी ही आए, तो हमने कहा कि चलो सुभाष जी के साथ बात कर लेते। तो जैसे हमने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा, ये प्रपोजल रखा, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड फिर जैसे हमने बोला कि हमारी वाइब्स बहुत मैच हो रही थी, और वो एक हम हिंदी पिक्चर के डायलॉग बोलते हैं कि दिल से जो करना चाहते तो पूरी कायनात हेल्प कर जाती है, तो ऐसे कोविड सिचुएशंस में भी हमने ये इतना बड़ा रिस्क नहीं बोल सकती, एक अपॉर्चुनिटी सोचा कि ये हम करें, ताकि इसमें कहीं ना कहीं हमको पता है कि हम बहुत आगे बढ़ने वाले और रूबीकॉन बहुत ही सक्सेसफुल एकेडमी होने वाली है। बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस एकेडमी। आई थिंक बहुत सारे हैं जो लोग बच्चे हैं आजकल के जिनको मेकअप सीखना है या स्टाइलिंग सीखनी है, व्हाटएवर, आई मीन अगर यहाँ पे इस, और सुभाष इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एंड आई एम डैम श्योर जो उन्होंने अकेडमी खोली जिस लेवल पे मैं देख रहा हूँ
काफ़ी अच्छी अकेडमी खोली है और हर किसी के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। मेकअप तो लड़कियों को पूछो, इनफैक्ट आजकल तो लड़के भी मेकअप यूज़ करते हैं, बट फॉर अ गर्ल मेकअप इज़ एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। और इतनी अच्छी एकेडमी है, मतलब जाके ऐसे मन कर रहा है कि मैं ही बैठ जाऊँ पहले सीखने, सो इट्स ब्यूटिफुल, मतलब इट्स वेरी गुड। आपकी जो सीरीज आने वाली है, अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ पता है और कब रिलीज होने वाली है? अभी इतना बोल सकता हूँ कि फरवरी फर्स्ट, आई थिंक मिड वीक इट्स द प्लानिंग। और नाम बता सकता हूँ, उद्धमगढ़ नाम है, मेरे साथ इकबाल खान, सचिन खुराना, निशांत मलकानी एंड किरण कुमार जी हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ और भी डिस्क्लोज कर नहीं सकता। शाह शबीर शेख, म्यूज़िक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर। सुभाष जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, रूबीकॉन अकेडमी जो लॉन्च हुई है आज, आई थिंक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेकअप मैंने हार्डली सुना है कि इंडिया में मेकअप अकेडमी खुली है, तो आई थिंक ये पहली बार वन ऑफ द रेयर ऐसा है मौका है कि सुभाष जी जो इंडस्ट्री में इतने साल से हैं, इतने फेमस हैं, उन्होंने अकेडमी खोली है। सो आई एम रियली हैप्पी और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। जब हम लोग एक हमारे कॉमन फ्रेंड आदित्य पंचोली से साहब के थ्रू मिले थे, तब हमें ये लगा कि जो उनका टैलेंट है वो मल्टीपल लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में वुमेंस इंपावरमेंट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हर किसी की इच्छा है कि हमारी महिलाएं, हमारी लेडीज आगे बढ़े, स्वनिर्भर बने। और हमारे पूरे हिंदुस्तान को ये इंडस्ट्री लीड करती मुंबई से, जब यहाँ से एक यूपी से, हरियाणा से, नॉर्थ ईस्ट से जब कोई भी एक लेडीज़ यहाँ पे आती है सीखने के लिए, कोई आर्टिस्ट बनने आती है तो कोई सब आर्टिस्ट बनते हैं। तब हमारा सपना था कि सुभाष जी तो हर जगह हिंदुस्तान में नहीं पहुँच सकते, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जाए जहाँ पे दुनिया के कहीं से भी लोग यहाँ पे आवे, अपना इंस्टीट्यूशन सुभाष जी के साथ में सीखे और उस चीज़ को आगे लोगों तक लेके जा सके और उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाए, ये हमारा एक सपना था। तो सुभाष जी और हमने एक कोलैबोरेशन किया है जिसके अंदर हमारी कंपनी के साथ में दीपा भारद्वाज जो है यहाँ से, ये पूरा वुमन ऑफ के ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। तो हम चाहते हैं हम प्रोफेशनल के साथ में यहाँ से कुछ सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करें गवर्नमेंट के कुछ ऐसे आदिवासी एरिया में, कुछ ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ से इंस्टीट्यूशन में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की भी हमारा आगे चल के योजना है, प्रयोजन है, जिसके साथ में ऐसे कुछ लोगों को डेवलपमेंट किया जाए जहाँ पे वो उनकी बहुत नीडफुल ज़रूरत है और उनको हम इस इंडस्ट्रीज में ज्वाइन कर सके, ये हमारा एक सपना है जो सुभाष जी हमारे, हम मुझे लगता है सुभाष। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।